हेलो फ्रेंड्स, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति बुटीक में आपका स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं दिखाती हूँ आपको नायरा कट की कटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कपड़ा ले लिया है और ये मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ये कन्नी से कन्नी मिला दी है और ये इसमें अर्ज है पूरा कपड़े में, तो इसके अंदर से ही पूरा हो जाए। तो हम इसको एक बार फिर फोल्ड कर लेंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं इसमें से चोली कट करूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं सबसे पहले इसमें तीरे का निशान लगाऊंगी। इसकी 18 इंच की चेस्ट है तो मैं इसका 6 का ही तीरा लेंगी और 6.5 के इसके मैं आर्म होल लेंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, यासी भी 6 पे ही निशान लगाऊंगी। और इसकी चेस्ट है 36 इंच, तो 36 का चौथा भाग आता है 9। ये 9 पे मैं सिलाई का निशान लगाऊंगी और ये आगे मार्जिन के लिए कटाई का निशान लगाऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से जैसे 7 इंच पे फिटिंग का निशान आता है। अब हम लेंगे चोली की लंबाई, तो चोली की लंबाई हमें 14 इंच की तैयार रखनी है। तो हम 15.5 इंच का कपड़ा लेंगे इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये 15.5 इंच है तो इधर से हम नाप भी सकते हैं 15.5 इंच, तो ये बराबर आना चाहिए। अब हम इसको सबसे पहले यहाँ से कट कर लेंगे। ये हो गई हमारी चोली और अब इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। जैसे सूट में कटिंग बताती हूँ वैसे ही 1 इंच की यहाँ से गोलाई कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आगे के लिए है और पीछे के लिए इस गोलाई से 1 इंच पीछे के लिए और एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और इसकी भी ऐसे गोलाई कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी कटिंग करूँगी मैं। पहले हम पीछे वाले की कटिंग करेंगे। हम यहाँ से इसको ऐसे अलग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें आगे वाले कट की कटिंग करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आगे की कटिंग कर दी है जैसे मैंने निशान लगाया था। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चोली हमने कट कर ली है। अब हमें कट करना है इसका घेरा, तो घेरे के लिए हमें इसमें इसकी 42 इंच की लंबाई तैयार करनी है। तो 14 इंच की चोली तैयार हो जाएगी और 28 इंच की हम इसका घेरा तैयार करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन के लिए इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस कपड़े को मैं ऐसे नाप ले रही हूँ इसका, ये फोल्ड कपड़ा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, 28 है तो हम इसमें 2 इंच नीचे की मार्जिन रखेंगे और आधा इंच ऊपर का 2.5 इंच इसमें मार्जिन रखेंगे। तो इसको 3.5 इंच का मैं कपड़ा ले रही हूँ इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया एक साइड का इसका, ये पूरा खुला ले रही हूँ मैं जितना होगा। और इसको ऐसे डब ये फोल्ड किया हुआ है, फोल्ड किए हुए को ऐसे फिर फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3.5 इंच कपड़ा ले लिया है। अब इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी। और इसको यहाँ से हम फिर अलग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम इधर से अलग कर लेंगे। ये जैसे डबल हो गया है तो ये आगे पीछे का दोनों तरफ का घेरा हो गया इसका। और घेरे को हम कम भी कर सकते हैं, अगर कम घेरे का पसंद है तो यहाँ से कपड़ा निकाल सकते हैं। और पूरा घेरा रखना है तो ये देखिए, इसका बहुत ज़्यादा घेरा हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐसे ऐसे चुन्नट बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारी तैयार हो जाएगा नायरा कट। यहाँ से इसमें बीच में चुन्नट आएगी
इधर से 3.5 इंच रखना है और इधर से भी 3.5 इंच भी रखना है। ये 3.5 3.5 रख के इसमें बीच में चुनेट आएगी और ऐसी हमारी चोली जुड़ जाएगी। इसमें इनर लगाऊंगी मैं, इनर की कटिंग मैं बाद में करूंगी, अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी बाजू की कटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें से मैं ये प्लाजो निकालूंगी और प्लाजो की साइड में से हम इसमें से बाजू निकालेंगे। ये 4.5 मीटर कपड़ा था तो इसमें से हमें दोनों चीज़ बनानी है। तब यहाँ से मैं इसमें ट्राउज़र प्लाजो निकालूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ट्राउज़र प्लाजो काम लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कपड़े में से मैं उसका ट्राउज़र प्लाजो निकालूंगी और इधर से जो साइड में से कपड़ा बचेगा इसमें से हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसकी 18 इंच की हिप है तो 36 है, 36 का चौथा भाग 9 हो गया। तो इसमें से हम ट्राउज़र में क्या करते हैं, अगर दोनों भाग एक साथ कट करते हैं तो इसमें से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जैसे ये 9 का है तो मैंने 11 इंच इसमें से ये 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। ये 11 इंच पे मैं इसका कमर का निशान लगाऊंगी ट्राउज़र में। और इसमें इसकी लेंथ कम हो रही है, ये देखिए, इसको 37 इंच का हमें तैयार रखना है। तो ऊपर लास्टिक वाला इसमें 2 इंच और जोड़ेंगे। तो चाहे तो आप ऐसे निशान लगा सकते हैं 2 इंच ऊपर निकाल कर आसन के। इसका 14 इंच का आसन लेंगी मैं, ऊपर 2 इंच लास्टिक वाले अलग से रख के जो देखे थे ऐसे निशान लगाऊंगी यहाँ से। और अगर 2 इंच नहीं निकालते हैं तो ऐसे हम 2 इंच कम करके भी इस पर 12 का निशान लगा सकते हैं। तो ये मैंने 12 इंच का निशान लगाया है। और यहाँ से 11 पे निशान लगाऊंगी मैं और 11 के बाद यहाँ से ये 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे करके इसमें 2 इंच की गोलाई दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें मोरी का निशान लगाऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ से ये निशान बताऊं। ये देखिए, ये पूरा इतना इसका 14 आ रहा है और यहाँ से इसका बीच आ रहा है 7, और यहाँ से भी मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हम इसकी मोरी रखेंगे 9 इंच की। तो इसे 4.5 इंच मैं इधर लेऊंगी और 4.5 ही इधर लेऊंगी। तो 9 इंच की हमें इसकी तैयार मोरी रखनी है और इससे हम 1/2 इंच इधर एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, 1 इंच इधर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस निशान को ऐसे मिला सकते हो। अगर आपके पास फट्टी है तो फट्टी से भी निशान मिला सकते हो। इस निशान से इस निशान को ऐसे मिला देंगे और इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये होगी हमारे ट्राउजर प्लाजो की कटिंग। इसको मैं कट कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें इलास्टिक के लिए ऊपर से अलग जुड़ेगा और नीचे की इसमें उल्टाई के लिए कपड़ा इसके अंदर से ही हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है और ये हो गया हमारे ट्राउजर की कटिंग। यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे, इधर से भी अलग करेंगे और उधर से भी, ऊपर से भी अलग होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी बाजू की कटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ट्राउज़र की साइड वाला कपड़ा है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। इसमें से अब हम निकालेंगे बाजू। तो ये देखिए, यहाँ से 9.5 आ रहा है इसका, ऐसे हम निशान लगा देंगे। यहाँ से ये 3.5 इंच का गेप होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3.5 लेती हूँ मैं इसका, और इस निशान को इस निशान से ऐसे सीधा कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ से बीच में से 1/2 इंच इसकी ऊपर की कटाई करेंगे, 1/2 इंच नीचे की करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये निशान लगा लिया है मैंने। अब मैं इसकी यहाँ से ऐसे कटाई करूँगी गोलाई में, और इसको इधर से ऐसे गोलाई दे देंगे, और इसकी आगे की कटाई भी ऐसे ही गोलाई में ही करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसकी फ्रिल वाली बाजू बनाऊंगी।
और इसकी 14 इंच की बाजू तैयार है। 3 इंच की इसमें हम फ्रिल लगाएंगे, 10 इंच की बाजू तैयार रखेंगे और ये मार्जिन अलग से रखते हुए मैं इस पे निशान लगा लूंगी। और ये देखिए, ये बाजू की कटिंग हो गई है और इसमें अभी फ्रिल की कटिंग हम इसके अंदर से करेंगे, इस कपड़े में से। तब मैं दिखाऊंगी आपको इसकी फ्रिल की कटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका फ्रिल का बताऊंगी, फ्रिल का बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए, इसमें से ये 4 इंच का ये ले रही हूँ और 8 इंच का मैं कपड़ा ले रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, 8 इंच का इधर से लेंगे और 8 इंच ही यहाँ से बीच में से लेंगे हम। और इसको हम ऐसे गोल कर देंगे और फिर इस पर 4-4 इंच का हम और निशान लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका हम ऐसे गोल गुलाई में इसकी कटिंग कर देंगे और इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रिल कितनी अच्छी हो गई है। ये देखिए, इसमें काफ़ी घेर बनेगा ऐसे। इसको हम पिको कर देंगे। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी नायरा कट और प्लाजो की कटिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता की।